हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णाज ऑनलाइन लेक्चर्स कोर्स क्रीट। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ इसरो जॉब रिक्रूटमेंट 2021 से रिलेटेड। तो अगर आप इसरो में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसरो की तरफ से काफ़ी सारे जॉब नोटिफिकेशंस अभी निकाले गए हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, लाइक JRF जूनियर रिसर्च फेलो, एंड दिस इज बेसिकली फॉर द मास्टर डिग्री होल्डर अगर आपने MSc या MTech किया हुआ है इन डिफरेंट कैटेगरीज। और अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, अगर आपने BTech कंप्लीट किया है, या फिर अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपका आपका रिजल्ट आ चुका है, उस केस में अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर दूंगी। अप्रेंटिसशिप के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, बट कैसे करना है इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर एक पोस्ट के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी पोस्ट अभी इसरो ने निकाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अदर डिटेल्स अलॉन्ग विथ हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। So let's see the detailed information about the job vacancies which is announced by the ISRO, that is Indian Space Research Organization. तो वन बाय वन मैं इन सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगी। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड डिफरेंट वैकेंसीज लाइक JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके साथ साथ अप्रेंटिस, देन साइंटिफिक असिस्टेंट, देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो ये सारी पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई हैं इसरो की तरफ से। तो मैं वन बाय वन इन पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं या क्या क्या बेसिक डिटेल आपको पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज MSc या फिर MTech। तो MSc में कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। सो MSc फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी एंड प्लैनेटरी साइंस, ये ब्रांचेस MSc के अप्लाई कर सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए विथ एग्रीगेट मार्क्स 65%, और अगर CGPA है तो 6.84 CGPA। नंबर ऑफ पोस्ट इस पर्टिकुलर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट 12 है। इसका लोकेशन बैंगलोर नहीं है, इसका लोकेशन है तिरुवनंतपुरम इसरो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये तिरुवनंतपुरम लोकेशन के लिए पोस्ट अनाउंस की गई है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई है, और इसका एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर्स है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, एक्सपीरियंस पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई, बट फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इसका जो सैलरी है इट इज नॉट कन्फर्म, बट अराउंड 31,000 दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इफ यू आर गेट सिलेक्टेड। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसरो की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसरो की वेबसाइट पर जाकर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब सेकेंड जो पोस्ट है दैट इज अप्रेंटिस। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो परमानेंट पोस्ट है, बट अगर हम अप्रेंटिसशिप की बात करें सो दिस इज नॉट परमानेंट, इसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। तो अप्रेंटिस जो है वो दो कैटेगरीज में है, एक तो BE BTech है दैट इज अप्रेंटिस, एंड एक डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है दैट इज टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दैट इज ग्रेजुएट और BE और BTech इन डिफरेंट ब्रांचेस। ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी कौन सी ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विथ डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा के लिए भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं इस टेक्नीशियन अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं BE और BTech की अगर बात करूं तो BE और BTech में जो ब्रांचेस हैं दैट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो ये ब्रांचेस जो है वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद एग्रीगेट मार्क्स 60% और CGPA 6। बट अगर हम डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो डिप्लोमा के लिए जो ब्रांचेस हैं दैट इज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एंड वन मोर ब्रांच इज देयर दैट इज कमर्शियल प्रैक्टिस, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस। तो ये ब्रांचेस जो है वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो लोकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताई गई है। तो दो लोकेशन है, एक तो बैंगलोर लोकेशन है और एक त्रिवेंद्रम है।
तो बैंगलोर लोकेशन के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 20 है और त्रिवेंद्रम के लिए 160 है। तो जो बैंगलोर में अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ 20 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो त्रिवेंद्रम में अप्लाई करना चाहते हैं वो 160 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लोकेशन के अकॉर्डिंगली लास्ट डेट टू अप्लाई भी है, 22 जुलाई है वो बैंगलोर लोकेशन के लिए है और 20 जुलाई जो है वो त्रिवेंद्रम लोकेशन के लिए है। और इसमें जो एक्सपीरियंस है दैट इज 0 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये जो है अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के बारे में है। अब इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नहीं करना है, आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। कौन सी वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा? तो यहाँ पर एक वेबसाइट है www.mhrdnats.gov.in। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, दिस इज द वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा फॉर अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन, एक पीडीएफ फाइल जारी की गई है इसरो की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इस पीडीएफ फाइल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फॉर दी अप्रेंटिस एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंफॉर्मेशन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो ये नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पर दी गई हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रांचेज नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, स्टाइपेंड कितना है। सबसे पहले स्टाइपेंड की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएट के लिए स्टाइपेंड थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इट इज इसरो, तो आपका एक्सपीरियंस ही काफी मैटर करेगा, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ग्रेजुएट के लिए जो स्टाइपेंड है वो 9,000 है एंड दिस इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रेजुएट। अब अगर हम बात करें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो डिप्लोमा होल्डर्स का जो स्टाइपेंड है वो 8,000 है और दीज आर द वैकेंसीज फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स एज पर द ब्रांचेस। और जो क्वालिफिकेशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज ऑल्सो 60% मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। तो ये तो आपके ब्रांचेस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। ये जो है आपका डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है लेकिन स्टाइपेंड सेम है 8,000। अब मैं बात करती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी वो वेबसाइट यहाँ पर मेंशनड है। तो वेबसाइट जो है दैट इज www.mhrdnats.gov.in। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका एक NATS रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। तो उस NATS रजिस्ट्रेशन नंबर को, जहां पर ये मेरा माउस है यहाँ पर आप देख सकते हैं NATS नामांकन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। आपको कहीं जाकर अप्लाई नहीं करना है, कहीं फिल नहीं करना है, जो भी आपका कांटेक्ट होगा वो मेल के थ्रू होगा। तो ये जो मेल आईडी है इट इज hqapprentice@isro.gov.in। सबसे पहले आपको mhrdnats.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है, देन यू हैव टू ईमेल दिस NATS रजिस्ट्रेशन नंबर टू hqapprentice@isro.gov.in एंड अलोंग विद दिस NATS नंबर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, और सब कुछ ही आपको मेल के थ्रू सेंड करना है। आपको कुछ भी वेबसाइट पर जाकर कोई चीज आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ पर एक आपको सबसे पहले एक फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, नेट्स नंबर जब आपका जनरेट हो जाएगा उसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर फॉर्म के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज देर इज अ वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है freshervoice.com। सो freshersvoice.com, डोंट बी कंफ्यूज, freshersvoice.com/isro-recruitment। अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट आई पर्सनली फील, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर एक इंफॉर्मेशन दी गई है और वहां पर लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो अप्लाई करने में। तो वहां पर जाकर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको मेल और क्या क्या करना है, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया गया है। तो आपको क्या क्या मेल करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है इसका पीडीएफ फॉर्मेट,
और नेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विथ 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, जो भी सेमेस्टर्स के सर्टिफिकेट हैं आपके डिग्री डिप्लोमा के, सारे सेमेस्टर्स के वो सारे सर्टिफिकेट, आपका अगर डिग्री आपके पास बीटेक की डिग्री है या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो वो आपको सेंड करना है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज मस्ट, ये आपको अलॉन्ग विथ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विथ नेट्स एनरोलमेंट नंबर आपको मेल करना है hqapprentice@isro.gov.in। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एट दिस वेबसाइट mhrdnats.gov.in यू विल गेट वन NATS रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड दैट NATS रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड दी सर्टिफिकेट, 10th, 12th डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट और सारे सेमेस्टर्स के सर्टिफिकेट आपको अलॉन्ग विथ नेट्स एनरोलमेंट नंबर आपको मेल करना है hqapprentice@isro.gov.in पर। यहाँ पर ये मेल आईडी मेंशन है hqapprentice@isro.gov.in, अगर आपको नोटिफिकेशन में ठीक से नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द वेबसाइट नेम जहां पर आपको रजिस्टर करना है और दिस इज द मेल आईडी जहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ नेट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब ये इसरो की तरफ से चेक किए जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे इसरो उनको सिलेक्ट करेगा और सिर्फ उन्हीं को मेल जो है वो पोस्ट करेगा, उन्हीं को मेल किया जाएगा जिनका सिलेक्शन हो गया होगा। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई रिटन एग्जाम या कोई इंटरव्यू एग्जाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, आपके मेरिट के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पर कोई भी रिटन कोई इंटरव्यू एग्जाम नहीं होगा। अगर इंटरव्यू होता भी है तो बहुत इजी सा इंटरव्यू होगा और उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि कोई भी रिटन या कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है फॉर अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। सो दिस इज फॉर द सेकेंड जॉब। अब मैं थर्ड और फोर्थ की बात करूं तो साइंटिफिक असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये नॉन टेक के लिए पोस्ट है, इसकी पोस्ट बहुत कम है, दो दो पोस्ट ही निकाली गई हैं और इसके लिए आप इसरो की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस, एंड वी हैव लॉन्च वन वेबसाइट दैट इज www.coursecreel.com। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको काफी सारे वीडियो कोर्सेस मिलेंगे जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप डिजाइन रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, सो वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट coursecreel.com। सो डू विजिट आवर वेबसाइट एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।